नमस्कार, पांच का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। भारत मां का प्यारा, देश का रखवाला, योद्धा, शूरवीर, काल इस तरह दुनिया को अलविदा कह जाएगा सोचा नहीं था। हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बिपिन रावत की, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते CDS जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए। हादसे में उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य 11 लोगों की भी मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ही वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए थे। अब वायुसेना अपने स्तर पर हादसे के कारणों का पता लगा रही है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसे लेकर अभी तक वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसकी वजह क्या रही। आखिर MI-17V5 जैसा अत्याधुनिक विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया, यह कहीं कोई साजिश तो नहीं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब MI-17 क्रैश हुआ है। इससे पहले पिछले महीने भी एक MI-17 विमान अरुणाचल में हादसे का शिकार हो गया था, जहां 12 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वैसे अक्सर देखा गया है कि खराब मौसम थी विमान के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह होता है, खासकर पहाड़ी और जंगलों वाले इलाकों में तो ऐसा ही होता है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां सुबह मौसम खराब था, ऐसे में हेलीकॉप्टर को क्यों रवाना किया गया, खराब मौसम के बावजूद पायलट ने क्यों उड़ान भरी, अगर मौसम इतना खराब नहीं था तो हादसा किस वजह से हुआ। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो CDS बिपिन रावत की मौत लापरवाही या साजिश, आज इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन MJA विनोद, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र TV में। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद साहब आपसे रहेगा, जिस तरीके से एक के बाद एक कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, CDS बिपिन रावत जो देश की आन थे, बान थे, शान थे, उनकी मौत के बाद कई तरह के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और छन छन कर एक के बाद एक कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अलग अलग तरीके के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे हादसे को? विनोद साहब आप सुन पा रहे हैं? विनोद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो विनोद जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अनुज माथुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माथुर साहब, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चीजें छन छन कर बाहर आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है कि कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, या कहा जा रहा है कि खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है, तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? एक बात बताऊं कि कोई भी कंक्लूजन अभी निकालना मेरे हिसाब से बहुत प्रीमेच्योर होगा। पहली बात यह है, सवाल आपका है कि क्या यह हादसा है या लापरवाही, या लापरवाही है या कोई साजिश। मैं आपको कहता हूं कि आप अपने प्रश्न में एक लफ्ज और ऐड करिए कि लापरवाही है, साजिश है या हादसा है, क्योंकि जैसा मुझे नजर आ रहा है अभी कि ये ना तो ये लापरवाही है ना ही ये साजिश है। हादसा होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं किसी भी संभावना को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, सेबोटाज रूल आउट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी हमको दो तीन चीजें एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, जिससे पहले कि इस प्रश्न का डायरेक्ट जवाब देने के लिए आऊं, कि पहली बात, क्या CDS की यात्रा वेलिंगटन जाने के लिए जरूरी थी? प्रश्न का उत्तर है हाँ, ये जरूरी थी, क्योंकि
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां तीनों सर्विसेज के, सेना के तीनों अंगों के लोग बेहतरीन अफसर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनके अलावा फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे ऑफिसर वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों के लिए एक CDS जो कि तीनों सर्विसेज के तीनों अंगों का सर्वे सर्वा है उसके एक्सपीरियंस से लाभ लेना एक बहुत आवश्यक चीज है। तो जहां तक प्रश्न उनकी वहां से यात्रा का है वो बिल्कुल बिल्कुल बात है। दूसरी बात कि जब भी VVIP ऑफ द कैलिबर ऑफ CDS यात्रा करते हैं तो इस बात का यकीन किया जाता है कि जो जहाज उन्हें दिया जा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ और अपनी एयरवर्दीनेस में बिल्कुल पास है। बिल्कुल। दूसरा, पायलट बिल्कुल पारंगत है जो कि किसी भी प्रकार की। तीसरी बात, ये यकीन किया जाता है कि मौसम कैसा है, क्योंकि अगर उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी चला हूं हेलीकॉप्टर्स में बहुत, लेकिन ये जो पायलट होता है कोई रैंक का उसमें लेना देना नहीं है। पायलट उस समय कप्तान है और वही पायलट जो कहेगा वही होगा। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि कोई भी पायलट यदि उसको ये खबर मिलेगी कि मौसम खराब है या खराब मौसम की वजह से कोई हादसा होने की संभावना है तो कोई पायलट CDS को साथ लेकर के उड़ेगा नहीं। ये बात मैं बताता हूँ कि कारण मातुर साहब एक मिनट मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मेरी बात सवाल, चार कारण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है एक यहाँ पर, जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया कि जब इस तरीके की कोई उड़ान भरी जाती है जिसमें VVIP मौजूद होते हैं उस उड़ान में तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से संबंधित हो चाहे वो मौसम से संबंधित हो। लेकिन जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे वो खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे, अगर बात की जाए तो खराब मौसम तो यहां पर वजह हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार जो खराब मौसम में उड़ाने भरी जाती हैं वो एक बड़ी वजह यहां पर मानना बेवकूफी होगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पायलट ये प्लेन उड़ा रहा था, अगर उसे लगेगा कि खराब मौसम में प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता तो वो इस उड़ान को ही रद्द कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था आपको कि जो पायलट है, मेट की ब्रीफिंग होती है, मौसम की ब्रीफिंग होती है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाके में खास करके जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं वहां पर मौसम का मिजाज बदलने में कतई समय नहीं लगता। मैं वहां रहा हूं साल भर, ठीक, मैंने कई दफा वहां से गाड़ी से गया हूं कोयम्बटूर सब जगह, तो मौसम मिनटों में बदलता है वहां पे, मिनटों में। ठीक, तो ये मौसम खराब होने की संभावना पहले ठीक हो और बाद में खराब हो जाए वो है पॉसिबिलिटी। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि फॉग और क्लाउड, इसमें डिफरेंशिएशन कर पाना बड़ा मुश्किल है इवन मेट डिपार्टमेंट्स वगैरह के लिए। तो ये संभावना मौसम खराब हो जाए रास्ते में, ये बहुत बड़ी संभावना है किसी भी पहाड़ी इलाके में, ये हो सकता है क्योंकि मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदलता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक बार फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, आधा रास्ता तय करने के पश्चात उसने कहा कि सर मौसम खराब हो सकता है आगे, मैं वापस जा रहा हूँ, हम लोग वापस आ गए। तो ये पायलट निश्चित रूप से इस बात को जानता है और समझता है, और कोई भी पायलट जो कि CDS को लेकर के चल रहा है बिल्कुल बिना बात इस तरीके की लापरवाही नहीं बरतेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है उसमें, बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल नेचुरल। तो मैं बताता हूँ आपको कि चार वजह हो सकती है एक्सीडेंट की। पहली वजह मैकेनिकल फेलियर, ठीक है, पहली वजह। दूसरी वजह पायलट की गलती, ह्यूमन एरर। तीसरी वजह वेदर, और चौथी वजह सैबोटेज। और इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, इसका बाद में पता लगेगा इसकी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। लेकिन कुछ भी रोल आउट नहीं हो सकता, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि वो पायलट जब फ्लाइट में जा रहे थे तो रस्ते में कोई मैकेनिकल इशू हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल इशू हुआ है, और मैकेनिकल इशू होने, क्योंकि मशीन इज अ मशीन, किसी भी मशीन में कभी भी कोई भी मैकेनिकल इशू हो सकता है, मानिए आप मेरी बात, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इशू होने की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। मातुर साहब, आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर रख दी, हम भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि जांच का विषय है। ट्राई सर्विस इंक्वायरी यहाँ पर सरकार की तरफ से कह दी गई है कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी यहाँ पर होगी, तीनों सेनाएं अब इस पूरे मामले की जांच करेंगी और जो भी निकलकर सामने आएगा वो सभी के सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जनरल रावत की अगर बात की जाए तो देश की ताकत वो थे, फौज की ताकत थे, और जिस तरीके से आपने खुद अभी कहा कि कई बार आप भी किसी अगर प्लेन में सफर करते हैं तो अगर मौसम खराब होता है तो उस फ्लाइट को वापस ले लिया जाता है या फिर फ्लाइट को रद्द ही कर दिया जाता है,
लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि वहां पर मौसम बार बार बदलता है, इस बात से भी गुरेज नहीं है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर जो हमने साजिश शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से आपने कहा कि साजिश और लापरवाही, तो साजिश भी इसके पीछे किसी तरह की हो सकती है, ये मेरा सवाल था। हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, मैंने यही बोला आपको कि चार तरीके बताए कि चार वजह हो सकती हैं और उन वजहों में एक वजह साजिश भी है, सेबोटाज, कि किसी ने किया हो, क्योंकि जो जनरल रावत थे उनका कद बहुत बड़ा हो गया था। जनरल रावत से चीन और पाकिस्तान में आपको उनके जो अचीवमेंट्स हैं अगर वो मैं गिनाऊंगा तब आपको पता पड़ेगा कि चाइना के खिलाफ जितनी भी चीजें हुई हैं उनमें इनका हाथ है। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर इन्होंने कांगो में ब्रिगेड को कमांड किया और जैसे ही इन्होंने ब्रिगेड को टेक ओवर किया उसके 10-12 दिन के बाद वहां पर एक्शन हुआ। उस एक्शन तो इनको अंतरराष्ट्रीय माहौल में अपने आप को एक्शन से निपटने के लिए माहिर हैं। बायोलॉजिकल वॉर की बात करें तो वो भी पाकिस्तान और चीन को खुली चुनौती दी गई। बिल्कुल वो भी किया, हमें आ रहा था वहां क्योंकि वो ठीक है, माथुर साहब माफ कीजिएगा, समय हमारे पास कम है, विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सबसे फाइनेस्ट विनोद जी भी जुड़ गए, उनकी भी राय ले लेते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये लंबे चर्चा का विषय है। विनोद जी आप कैसे देखते हैं इस पूरी जिस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है? सीडीएस विपिन रावत की बात करें तो बायोलॉजिकल वॉर चाइना कर सकता है ये उन्होंने कहा, साथ ही साथ ढाई मोर्चे पर लड़ाई लड़ने की बात वो करते हुए नजर आ रहे थे और देश के अंदर जो देशद्रोही हैं उनके लिए नासूर वो बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं साजिश भी यहाँ पर इस पूरे मसले पर हो सकती है। कि किसी भी चीज को स्पेकुलेट करना गलत है और एक सभी लोग ये जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले हम सबोटाज को रूल करते हैं क्योंकि फौज का कोई भी एक्सीडेंट, एयरफोर्स का कोई भी एक्सीडेंट हो, सबसे पहले हम सबोटाज को रूल करते हैं, उसके बाद में रूल आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये छोटा सा जो वीडियो क्लिप चल रहा है उसको आप जब देखते हैं, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, ये है इनएडवर्टेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जब विजुअल तरीके से उड़ा रहे होते हैं सडनली एक चादर फॉग का चादर आ जाता है तो एक चेंज ओवर जो है फटाफट हो नहीं पाता है, तब क्या होता है तुरंत आपको लौट जाना होता है। जब आप लौट रहे होते हैं तब अगर आपके पास समय नहीं है, आप देख रहे हैं क्लाउड का चादर आ रहा है और उसके चंद आधा सेकंड के अंदर अंदर वो हेलीकॉप्टर का टकराव हो जाता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें सबोटाज वगैरह का मेरा कोई मेरा अपना अनुमान ये है कि कोई रीजन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो जिस तरीके से विनोद जी, लेकिन इस बात से इंकार भी तो नहीं किया जा सकता कि हम अज्यूम ही तो कर रहे हैं, हम यही तो अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मैंने अभी अभी आर्टिकल भी लिखा है इसके बारे में, जो हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और तीन तीन बार इसकी मैकेनिकल चेकिंग होती है और फौजी इलाके से टेक ऑफ होता है तो वहां पे सबोटाज वगैरह होने का पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि कोई सिविल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है और VVIP जा रहे हैं तो वो सब चीजों को रूल आउट कर दिया जाएगा। और आप देख ही रहे हैं ब्लैक बॉक्स हाथ में है, ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो दूध का दूध पानी का पानी निकाल ही देता है क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है बहुत ही अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, इसमें 10,000 के। जिस तरीके से तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, क्या वो लापरवाही थी या फिर किसी तरह की कोई साजिश, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माथुर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। माथुर साहब, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे और चाइना का जिक्र आपने यहाँ पर किया, दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि साजिश जो कि शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पूरे देश भर के जहन में ये सवाल है, ये सवाल हमारे नहीं है या पर्टिकुलरली आपके या मेरे जहन की बात नहीं है, ये पूरे देश के जहन की बात है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके की इन्फॉर्मेशंस निकल कर सामने आ रही हैं उसने कई असमंजस की स्थिति यहाँ पर बना दी है। क्योंकि कभी कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से, उस बात को आपने खुद ही सिरे से नकार दिया क्योंकि जब कोई एक्सपीरियंस पायलट उड़ान भरता है तो वो तमाम चीज़ें पहले चेक करता है, तमाम स्थितियों को जांचता है, परखता है, उसके बाद ही इस तरीके की उड़ान यहाँ पर भरी जाती है, अन्यथा उड़ान को रद्द कर दिया जाता है। तो एक
ऑप्शन तो यहां पर आपने खुद ही खत्म कर दिया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके की वीडियोस निकलकर भी सामने आई हैं, उन वीडियोस में भी हालांकि हम उन वीडियोस की अभी पुष्टि पूरी तरह से नहीं कर रहे कि वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो चंद सेकेंड्स के अंदर ये पूरा हादसा हुआ। बात बताऊं कि मैंने इसको पूरी तरह से नकारा नहीं है। मैंने कहा, आपको बताया, चारों संभावनाएं हैं, चारों संभावनाओं से कोई भी एक चीज हो सकती है। साजिश को भी मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं मना कर रहा हूं कि आप देखिए जिस प्रकार का, मैं एक बार आप मुझे इनके करियर के बारे में बताने दीजिए, फिर आपको पता पड़ेगा। जब पहली बार हमने म्यांमार में घुस के म्यांमार के जो टेररिस्ट कैंप है जाकर के किए थे, उसके मास्टरमाइंड जनरल बिपिन रावत थे जब वो दिमापुर में कोर कमांडर थे। हाँ। उसके बाद जब डोकलाम में हमने चीन को पहली बार, मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार चाइना के को के ऊपर आंख गड़ा के देखने की पहली बार हमारी जो बात हुई, समझ बात निकल के आई थी, वो डोकलाम के बाद आई थी, और हमारे को एक कोई कॉन्फिडेंस मिला था कि वी कैन स्टैंड अप टू चाइनीज आर्मी। तो उसका उस समय वो चीफ थे। फिर जो पाकिस्तान के साथ जो ढाई फ्रंट पे वॉर और जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में इनका पूरा हाथ था, वाइस चीफ थे उस जमाने में। जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी, स्ट्राइक एयरफोर्स ने करी थी, लेकिन उस से उत्पन्न होने वाली पॉसिबल सिचुएशंस को संभालने के लिए पूरी इंडियन आर्मी को लद्दाख से लेकर के गुजरात तक तैयार करना, वो इस आदमी का काम था। ठीक। और उसके बाद जिस प्रकार से हमने चीन को फिंगर फोर से 8 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर किया, हाँ। ये इसका काम था। कैलाश रिज को ऑक्यूपाई करने के लिए डिसीजन लेना, हाँ। ये इनका काम था। उसके अलावा इनके जब से ये चीफ बने तब से लेके आज तक जिस तरह से टेररिज्म का खात्मा करने का प्रयास जारी है कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, हाँ। ये तमाम चीजें एक साथ था, हाँ। तो ये जब से इकट्ठा हो रही है, हाँ। और इसकी वजह से साजिश की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम सैबोटाज को एक कोने में रखेंगे, हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सपना, क्योंकि इतना बड़ा हो गया था इसका इनका फिगर कि इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मौसम और मैकेनिकल फेलियर कंबाइन इसकी वजह होने की संभावना सबसे, हाँ, ज्यादा है। है। अब आपको मैं बताऊं, एक व्यक्ति, एक ग्रुप कैप्टन जीवित बचे हुए हैं, हाँ। वो पायलट नहीं थे, लेकिन चूंकि वो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो इसकी इंटेलिजेंस समझते हैं, तो यदि वो बयान देने वाली परिस्थिति में आए तो सारी चीजें, हर चीज का खुलासा एकदम साफ तरीके से होने की संभावना है। जी जी बिल्कुल। विनोद जी, ब्लैक बॉक्स का जिक्र आपने यहाँ पर किया, इंक्वायरी को अपना टाइम लेने दें। हाँ। एक मिनट। जी 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 मातृ साहब समय बहुत कम है, विनोद जी को भी चर्चा में शामिल करना जरूरी है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। विनोद जी, इंक्वायरी यहाँ पर चल ही रही है, ट्रायल सर्विस इंक्वायरी यहाँ पर हो रही है, तीनों सेनाएं इसकी इंक्वायरी करेंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मातृ साहब ने ये पॉइंट उठाया कि एक यहाँ पर एक जो हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स था वो अभी भी जिंदा है, और अगर वो इस कंडीशन में आते हैं कि वो बयान दे सके तो वो जरूर यहाँ पर ग्रुप कैप्टन है, समझ भी रखते हैं, वो यहाँ पर स्थितियों को साफ कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स भी यहाँ पर मिल गया है, लेकिन अभी अगर हम जिस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं तमाम चीजें, तो क्या ये गलत है कि साजिश यहाँ पर हो सकती है? साजिश मेरे ख्याल से बिल्कुल ही नहीं है, और मैं आपके साफ साफ कह चुका हूँ, हाँ। क्योंकि और जो ग्रुप कैप्टन जो मौत से लड़ रहे हैं वो एक खुद एक फाइटर पायलट हैं, हाँ। और खुद वो एक तेजस को बचाते हुए उनको एक अवार्ड भी मिल चुका है। बट कहने वाली बात ये है कि सबसे पहले जब इंक्वायरी शुरू होता है इंडियन एयरफोर्स में, और मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूँ इसके नाते मैं बता रहा हूँ, हाँ। सबोटाज हम सबसे पहले रूल आउट करते हैं, हाँ। और हम शुरू करते हैं उस जगह से जहाँ से एयरपोर्ट टेक ऑफ हुआ, वो एक सुलूर मिलिट्री एयरबेस है जहाँ पे तेजस तैनात है, जहाँ पे अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो सारंग टीम तैनात है वहां से टेक ऑफ हुआ है। ठीक है। तीन तीन बार इसकी मैकेनिकल चेकिंग होती है, उसके बाद सील किया जाता है, उसके बाद ये जहाज टेक ऑफ करता है, और सबसे अत्याधुनिक जहाज है ये। और ये इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में जब पायलट एंटर किए, वहां से उन्होंने जब टर्न लेने की कोशिश की होगी उस समय ये लगा है।
और इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। ठीक है विनोद जी, ठीक है, यही मैं एक रखना चाहूंगा। चलिए चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर CDS विपिन रावत जिस तरीके से शहीद हुए, उसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जनरल रावत इस देश की ताकत थे, फौज की ताकत थे, और एक VVIP के साथ जब इस तरीके का कोई हादसा होता है तो उसके पीछे की वजह जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या थी कि इतना अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, ट्राई सर्विस इंक्वायरी यहाँ पर जारी है, सब कुछ निकल कर सामने आ ही जाएगा। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमें कहीं से भी सवालों को नहीं रोकना है, क्योंकि सवाल होंगे तो ही जवाब निकल कर सामने आएंगे। हालांकि हमें अभी किसी भी तरह के कोई कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर यहाँ पर नहीं पहुँचना है। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के बाद क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।